जो आपकी डेड बॉडी थी उसी के साथ में रही हाँ, उसी आपकी 3 दिन उसी के साथ रहा था। की आत्मा है वो कहाँ रही? वो मेरे घर में एक के पास एक पेड़ है, मैं वहाँ पे बैठा रहता था। और कभी मेरे जो भाई है बहन है मेरे को कहता था, मैं ये रहा कुछ सुनता ही नहीं था। आपकी आत्मा भटकती थी तो और भी कोई आत्मा आपको वहाँ पे दिखी, कुछ मिला? आत्मा जो कुछ जैसे इंसान खाते हैं इसी वो खा लेते हैं, जो इंसान खाते हैं वही खा लेते हैं। जैसे यहाँ पे रोटी डाली है तो हम उस रोटी को ले लेंगे, पर वो वहीं पे रखी देगी, हमने लगा इसको खा लिया। तो मृत आत्मा थी, उसके जो वस्त्र देते हैं वो पंडित जी को देते हैं, ब्राह्मण को देते हैं, तो क्या वो वस्त्र जो कपड़े थे वो आप तक पहुँचते थे? जब आपकी डेथ हो गई थी तो आपके परिवार में जो लोगों की पहले डेथ हो चुकी वो आपको कहीं दिखे वहाँ पे? नहीं, मुझे कहीं नहीं दिखे। अच्छा, किसी को डराने की भी कोशिश की आपने? गर्भ में थे यानी कि मम्मी के पेट में थे उस टाइम पे, कुछ आपको महसूस हुआ? हाँ, मेरी मम्मी पेट पे कील गिरी थी जब मुझे वो मेरे कान पैक लगी थी। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, अलग अलग टाइम पे हम जो है पुनर्जन्म की स्टोरी आपके साथ लेके आते रहते हैं। इससे पहले जो है हम 3-4 स्टोरी आपको दिखा चुके हैं और आज एक स्टोरी और लेके आए हैं। हम पहुँचे हैं हरियाणा के पलवल में और ये जो गांव है पलवल का आखिरी गांव यानी कि हरियाणा का आखिरी गांव है, और इस गांव से 200-400 मीटर दूरी पर जो यूपी बॉर्डर है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से यूपी बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप हरियाणा की स्टोरी दिखाते हो, हरियाणा में ये ऐसा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो चैनल है ये हरियाणा का है। सबसे पहले तो मैं पूरी स्टोरी जो है हरियाणा की कवर करूंगा, उसके बाद अगर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में दूसरे स्टेट में अगर कुछ होता है तो वहाँ पर जाके हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर हम बात करें, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई जो है ये वीडियो स्क्रिप्टेड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले हमने बिल्कुल भी बातें नहीं की है, बिल्कुल अननोन पर्सन है। इससे आप ये पूछा है कि भाई हाँ आप ही, वो बोले हाँ ये वही है, तो इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका जो है अभी इस जन्म का क्या नाम है? राहुल। राहुल नाम? राहुल। अच्छा, राहुल जो है पिछले जन्म में आपका क्या नाम था? धनराज। धनराज नाम था। अच्छा, जो आपकी डेथ हुई राहुल, तो वो किस कारण से हुई थी? ट्रैक्टर पर से धक्का दिया था, उस कारण हुई। ट्रैक्टर पर से धक्का दे दिया था? किसने दिया था? मेरे दोस्त था, उसी ने। आपके दोस्त ने ट्रैक्टर पर से धक्का दे दिया? आप नीचे गिर गए थे या किसी व्हीकल के नीचे आ गए थे? नीचे गिर गए थे, पीछे ट्रक आ रहा था तो ऊपर का चढ़ गया, ट्रक ऊपर से चढ़ गया था जी। अच्छा राहुल, एक बात मैं अगर बताना चाहूँ तो आपकी डेथ हुई थी वो किस, क्या एज थी आपकी जब आपकी डेथ हुई? कम से कम 35-1 साल। 35 साल? 35-1 साल का हूँ मतलब, उसके लगभग ही रहा लो, उसके लगभग भी था। अच्छा, जो आपका जो पिछला परिवार था उस परिवार में कौन कौन है, उनका जो नाम अगर पूछना चाहें तो वो नाम बताओ। पिछले परिवार में भाई और बहन और जो बच्चे थे वो थे, और मम्मी और पापा थे। मम्मी और पापा। अच्छा, मम्मी पापा का क्या कुछ नाम याद है आपको? पापा का तो पता नहीं, मम्मी का प्रेमवती नाम है। प्रेमवती? प्रेमवती। अच्छा, जो आपके भाई बहन थे उनका क्या कुछ नाम था? उनको हमको नहीं पता, नाम याद नहीं है। अच्छा, जो आपकी बच्चे थे आपके, वो कितने बच्चे थे? एक लड़का था, 4 लड़की थी। एक लड़का था और 4 लड़कियां थी। अच्छा, उनके नाम कुछ याद हो? हाँ, उनके नाम याद है। लड़का का नाम राजेंद्र था, एक लड़की का नाम पिंकी, उषा, राजवाला और आशा था। आशा था जी। अच्छा राहुल, अगर मैं बात करूँ पुनर्जन्म की, लाखों लोगों में इक्का दुक्का लोग ऐसे होते हैं कि जिसको पुनर्जन्म की स्टोरी याद होती है, आप भी उनमें से एक हो। अच्छा, जब आपका पुनर्जन्म हुआ तो जैसे आपका जो परिवार का रिएक्शन है वो क्या कुछ था? वो कुछ नहीं था, मैं छोटा सा था, कहता था मम्मी मैं यहाँ का नहीं हूँ, वहाँ का हूँ, तो घर के भी आप तो चुप करा देते थे, जो कहते ना चुप है जाओ। उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता गया फिर पता चलता गया। एक दिन मेरी वाइफ थी वो आई यहाँ पे, पिछले जन्म वाली। अच्छा। वो यहाँ पे आई जब सारा वो पता चला। अच्छा, आपकी जो वाइफ है वो पहले यहाँ पे आई थी? पहले वो यहाँ पे आई थी, फिर हम वहाँ पे गए थे, फिर आप बाद में वहाँ पे। ये एक जो है अलग बात है, क्योंकि जो पहले स्टोरी हमने देखा है उसमें खुद जो लड़का है वो अपने गांव में जाता है, लेकिन यहाँ पे आपके पिछले जन्म की पत्नी आई थी। अच्छा, उनको क्या कुछ पता चला था? उनको ये पता था हमारे जो गांव की एक लड़की है वो बांसी में जो शादी हो गई थी उसकी, तो उसने बताया था कि एक लड़का बांसी का बनता है वो, उसके जो तू देखा उसको, तो देखने के लिए आई थी जब। अच्छा, जब आपका जो वाइफ आपसे मिलने के लिए आई तो उनका क्या रिएक्शन था? कुछ नहीं, उनको देखती रहेगी खाली, वो वो देखती देखती। अच्छा, उनकी एज उस टाइम पे क्या थी? वो उस टाइम पे लगभग ऐसे हो कोई 50 एक लगभग।
51 साल के आसपास थी जी। अच्छा राहुल, मैं बात करूं जो आपकी याददाश्त की, आपको पूरा याद है, पिछले जन्म का याद है, इस जन्म का याद है, अगर कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में अगर बात करें। पिछले जन्म से पढ़ी कहाँ, इतनी नहीं। अच्छा पढ़े नहीं, पिछले जन्म में इतनी नहीं पढ़ी, नहीं पढ़े। अच्छा जब आपकी डेथ हुई, तो आपकी डेथ होगी तो उसी टाइम पे आपको कुछ महसूस हुआ कि भाई मेरी डेथ होगी, अभी मैं इंसान नहीं हूँ, मैं आत्मा बन चुका हूँ? वो डेथ बॉडी नहीं मेरी, वो परी थी, मैं कह रहा हूँ ये कैसे हो गया, तो कम से कम जब 2-3-4 घंटे हुए उसके बाद पता चला कि वो, फिर 3 दिनों में मेरी जो बॉडी थी वो घर आई। 3 दिन के बाद आई थी? 3 दिन, मैं उसके उसी के साथ रहा था जब वो। तो जो आपकी डेड बॉडी थी उसी के साथ में रही आप? हाँ, उसी 3 दिन उसी के साथ रहा था। अच्छा उसी के साथ में। अच्छा उस टाइम पे क्या फील कर रहे थे, रोए भी थे आप, जैसे कोई चोट वहाँ पे लगी तो कुछ, जैसे कोई आत्मा आपकी थी कुछ रोकती हुई? नहीं, जब वहाँ थोड़ी सी स्ट्रक चढ़ गया था तो वो तकलीफ हुई, जब उसके बाद मर गए थे। मर गए थे जी। अच्छा राहुल एक बात मैं पूछना चाहूँ, तो जब भी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो 10-12 दिन के वो दिन करते हैं, उसके बाद में हवन वगैरह जो है वो शुद्धिकरण होता है, तो 10-12 दिन तक जो आपकी आत्मा है वो कहाँ रही? वो मेरे घर में एक के पास एक पेड़ है, मैं वहाँ पे बैठा रहता था, और कभी वहाँ से चल के बल के बताता था, मेरे जो भाई हैं बहन है मैं उनको कहता था, मैं ये रहा कोई सुनता ही नहीं था। अच्छा आप पेड़ पे रहते थे? पेड़ पे रहेगा? पेड़ पे, पेड़ पे जी। अच्छा आप उनको बोलने की कोशिश करते थे? हाँ, उनको बोलने की कोशिश करती था, जैसे कोई आपकी वाइफ है या आपकी मम्मी है या आपके बच्चे हैं, सबको बोलने की कोशिश की, कोई सुनता ही नहीं था, कोई नहीं सुनता। अगर हम बात करें तो मृत्यु के बाद, जैसे आपका किसी चीज़ को खाने का मन है, ठीक है, क्योंकि भूख तो लगती होगी आप? हाँ भूख लगती, क्यों लगती, भूख लगती, तो खाने का मन होता तो उसको कैसे क्या कुछ हैंडल करते थे? भूख लगती थी जब कुछ ना कुछ देखते थे, कुछ ना कुछ मिल जाता था उसी को खा लेते। किसी से मांगते भी थे जैसे कोई है तो उससे? कई बार सपने में बोलते हैं कि वो, जैसे मेरा दादा आया, मेरी दादी आई, वो बोल रही कि मेरे को ये दो, कुछ ऐसा आपने कुछ किया? कुछ नहीं, कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया उनके साथ, मैं सिर्फ 12 दिन तक रहा था, फिर उसके बाद मैं गया ही नहीं। अच्छा 12 दिन तक रहे थे, उसके बाद दो उस गांव में नहीं गया? उस गांव में नहीं गए बाद में, फिर कहाँ रहे आप? फिर दूर जैसे और किसी दूसरे गांव के बैठा बैठा रहते, वहीं पे घूमते रहते थे। अच्छा जब आपकी आत्मा भटकती थी तो और भी कोई आत्मा आपको वहाँ पे दिखी, कुछ मिला आपको? हाँ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, कौन कौन थे कुछ याद हो आपको? हम तो ज्यादातर 5 लोग थे, 5 लोग थे। जैसे एक दोस्त नहीं बोलते हैं, उसके साथ 5 लोग थे, हम दोस्त थे। अच्छा एक ग्रुप था आपका? ग्रुप था, हाँ। अच्छा सबका रहता है, हमारे नहीं, औरंग का भी था कहीं ना, वहीं पे बोल बता लेते थे, वहीं पे कर लेते, बातचीत करते थे वहाँ सारा कुछ, सारा इस जीवन में है वैसे ही, वो भी ऐसे बातचीत करते हैं। अच्छा अगर चलने की कोशिश करें वहाँ जो आपकी आत्मा थी, तो जैसे आपको ये है कि मेरे को 50 किलोमीटर दूर जाना है, तो वहाँ पे कोई आप व्हीकल का यूज़ करते थे, कोई गाड़ी में बैठते थे या कोई बाइक पे बैठते थे, या फिर वैसे हवा के झोंके के साथ चले? हवा के झोंके के साथ, हवा के झोंके, हवा के जो वो की नहीं है, हवा के जितके हवा चली इतक। अच्छा एक बात और भी होती है कि यानी कि अगर हम बात करें तो कुछ लोग इसको आत्मा बोलते हैं, कुछ भूत प्रेत भी बोलते हैं, तो भूतियों नहीं होगी वो? तो वो जैसे भूत की जैसे हम पहले थे ऐसी। अच्छा किसी को डराने की भी कोशिश की आपने? नहीं मैंने नहीं की। जैसे कई बार आत्माएं होती है कि भाई कुछ महसूस किसी को करवाने की कोशिश करती हैं, तो वो करवा देती है, करवा देती है, होता है ऐसा कुछ? अच्छा लोग ये बोलते हैं कि अगर आप आग आपके पास है या कुछ लोहे का सामान कुछ आपके साथ है तो आत्मा आपके पास नहीं आ सकती, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जा सकते हो आत्मा, जा सकती किसी के पास चाहे कुछ भी, कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ता हो? नहीं थोड़ा बहुत कुछ नहीं, कुछ नहीं पड़ता है जी, मन का भी है बस। अच्छा अच्छा जब आपका जो परिवार था तो आपके जो बेटे थे या बेटियां थी उनका क्या रिएक्शन था? कुछ जब यहाँ पता चला तो वो सारे आए थे फिर देखने के लिए, फिर जब देखते गए वो पूछे थे मुझसे, बल वो जब छोटे छोटे बड़े हो गए उन्हें पूछा मेरे को, बल मेरा क्या नाम है, मुझको जानता है वो, फिर मैंने साहब का बता दिया, मिलते रहे नाम। वो एक लड़की थी मैं उसको वहीं पे छोड़ आया था, मतलब पेट में थी जब। अच्छा। जो मुझ मरने के बाद हुई थी तो मैंने उसकी भी पूछी,
मित्र पे लड़का हुआ, लड़की हुई, तो मुझे उसे बता लड़की हुई थी। किसे पूछा आपने? अपनी वाइफ से। अच्छा, अपनी वाइफ से पूछा आपने, तो उन्होंने कैसे बताया? आप मैंने बताया तो उन्होंने भी कहा कि लड़का लड़की हुई थी। अच्छा, आपने इस जन्म में पैदा होने के बाद पूछा है? अच्छा जी जी जी। तो भाई अद्भुत सी बातें हैं, कुछ और डिस्कस राहुल से करेंगे। काफ़ी सारे विचार आप लोगों के दिमाग में होते हैं, काफ़ी सारे थॉट आपके दिमाग में होते हैं पुनर्जन्म को लेके। कुछ लोग इसको सच मानते हैं और कुछ लोग इसको झूठ मानते हैं, लेकिन अगर वास्तविकता की बात करें तो ये लड़का जो है राहुल, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी सारी बातें इसने बताई। और भी कुछ बातें हैं आपके जो कमेंट मैंने देखे हैं, जो मेरी प्रीवियस की वीडियो है उसमें आप लोगों ने कमेंट किए हैं, क्योंकि वो मैं रीड करता रहता हूँ। और उसमें आप लोगों ने सवाल पूछे हैं कि भाई उनसे ये पूछना कि आत्मा क्या खाती है, क्या पीती है, उसके बारे में बताओ। आत्मा जो कुछ जैसे इंसान खाते हैं वो खा लेते हैं, जो इंसान खाते हैं वही खाते हैं। जैसे यहाँ पे एक रोटी डाली है तो हम उस रोटी को ले लेंगे, पर वो वहीं पे रखी रहेगी। हमने लगा इसको खा लिया, आपको लगेगा कि इसको खा लिया, वो वहीं पे रखी रहेगी। अच्छा, कुछ सर्दी गर्मी भी महसूस होती थी आपको जो आप आत्मा थे, तो कुछ सर्दी गर्मी महसूस होती थी कि भाई गर्मी लग रही है मेरे को, या फिर बारिश आ गई मैं अंदर खड़ा हो जाऊंगा, कुछ ऐसा महसूस होता था या सच नहीं? ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं पे भी रहते थे कोई कोई उसका इफेक्ट नहीं, कोई इसका नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। अच्छा, जब राहुल हम हवन वगैरह करते हैं 12 दिन के बाद, जब हवन वगैरह हम करते हैं, तो उस टाइम पे लोग ये बोलते हैं कि भाई जो मृत आत्मा थी उसके जो वस्त्र देते हैं वो पंडित जी को देते हैं, ब्राह्मण को देते हैं, तो क्या वो वस्त्र जो कपड़े थे वो आप तक पहुंचते थे? नहीं, वो नहीं पहुंचते मेरे पास, नहीं पहुंचते थे। वो बोलते हैं कि जैसे कई बार कोई, जैसे किसी का दादा एक्सपायर होगा, किसी की दादी एक्सपायर होगी, तो उनके नाम से पंडित जी को देते थे, ब्राह्मण को दे देते हैं, ब्राह्मण को दे देते हैं, वो ब्राह्मण रख लेता है, ब्राह्मण रख लेता है। अच्छा, आप तक वो नहीं पूछते बिल्कुल भी, नाम आपका होता है लेकिन पूछता नहीं है, नहीं पूछता। अच्छा, कुछ कपड़े वपड़े कुछ महसूस ऐसा होता है कि भाई कपड़े गंदे हो गए, या फिर कुछ ऐसा महसूस आपको होता हो? कुछ जिन कपड़ों में मरते हैं उनको इस नाम में यही पहन रखे हैं, यही पहन रखे हैं, तो उसकी तरफ ज़्यादा गौर से गौर नहीं करते हैं, करते नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं हो पे, सिर्फ काम ही क्या रहता है, सोने का और खाने का बस ही। तो भाई राहुल से जो है वो हमने बातचीत की है, इसको लड़के को जो है अपना पुनर्जन्म की अगर हम बात करें तो पिछला जन्म इसको याद है। अच्छा, एक बात और राहुल मैं पूछना चाहूँ, जब आपकी वाइफ और आपके बच्चे यहाँ पे आए तो वो जब उनको ये बता कि भाई ये हमारे पापा हैं, उनको बिलीव हो गया था? हाँ, क्योंकि हमारी जो पहले तस्वीर नहीं थी उससे कहा था, उसमें थोड़ी नहीं, जब बड़े थे दादी आई थी और दादी नहीं आ रही। अच्छा, सेम वही है। अच्छा, आपने भी तस्वीर पहचान ली थी यहाँ छोटे थे तब की, भाई ये मेरी तस्वीर है, सारा कुछ पहचान लिया था। तो मेरी एक घड़ी थी वो भी बताई मैंने। अच्छा, आपकी घड़ी थी वो भी बताई थी मैंने, क्योंकि वो वहाँ पे रखी है तो उन्हें ढूंढी तो वहाँ पे पा गई। अच्छा, आपने अपनी वाइफ को बताया कि वो घड़ी अपने घर पे वहाँ वहाँ रखी है उसको, तो वहाँ पे पा गई थी वो। अच्छा, मरने से पहले जब आत्मा, जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो कितने क्या कुछ महसूस हुआ उस टाइम पे, जैसे कि कोई दर्द वगैरह या कुछ ऐसा कि भाई बदले की भावना नहीं होती? जब आपके दोस्त ने आपको कुछ, जैसे वो आप बोल रहे हो कि धक्का मारा, तो आपके मन में ये विचार नहीं आया कि भाई मैं उसको बदला लूँ, कैसे ऐसा विचार आपके दिमाग में? नहीं, मेरे कोई विचार नहीं आया, मैं सोचा था जब मर गया था, जब मैं कह रहे जब मैं पूछा तो उन्होंने धक्का क्यों दे, वो सुनी नहीं आता मेरी, उसने कुछ नहीं सुनी मेरी। आपने क्या कहा उसको वैसे? आपने धक्का के ऊपर कच्छा ना, फिर वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई, वहाँ पे मैं कहता था मैं ये रहा कुछ सुनी नहीं था। अच्छा, आप ये बोल रहे थे कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। एक आखिरी सवाल, जब आपकी आत्मा थी, जब आपकी डेथ हो गई थी, तो आपके परिवार में जो लोगों की पहले डेथ हो चुकी वो आपको कहीं दिखे वहाँ पे? नहीं, मुझे कहीं नहीं दिखे वहाँ, जो मृत जो आपके परिवार के थे वहाँ कोई नहीं मिला? कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। अच्छा, एक सवाल और भी है, लोग यहाँ पे बोलते हैं आप भी अभी जो है 9th क्लास में हो, आपने भी सुना होगा कि भाई नरक और स्वर्ग, नरक वगैरह कुछ ऐसा होता है, तो ऐसा कुछ भी होता है स्वर्ग नरक वाला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कि भी पापों की सजा मिलती है उसको अलग कर देते हैं, उसको अलग कर वो ये होता है वहाँ पे जन्म अलग अलग, हर जो भी कोई भूतियों नहीं जाता मरता है उसको जन्म जरूर मिलता है, किसी को किसी का, किसी को किसी का। अच्छा, तो वो ही उसमें नरक हो जाता है, उसमें स्वर्ग हो जाता है, उसी में स्वर्ग हो जाता है।
अच्छा एक बात और भी मैं पूछना चाहूँ, जब आप गर्भ में थे यानी कि मम्मी के पेट में थे उस टाइम पे कुछ आपको महसूस हुआ? हाँ, मेरी मम्मी पेट पे कील गिरी थी जब मेरे को वो मेरे कान पैक लगी थी। अच्छा, आपकी मम्मी के पेट पे कील गिर गई थी? वो मेरे कान पैक लगी थी। आपको महसूस हुआ? मुझे महसूस हुआ। और कुछ महसूस आपको हुआ? नहीं, और कुछ नहीं। और कुछ महसूस नहीं हुआ जी। तो भाई अद्भुत सी बातें हैं, और हो सकता है सच्चाई हो या जो भी हो, वो अलग अलग लोगों के अपने अपने विचार होते हैं, कोई इसको सच मानता है, कोई इसको झूठ मानता है। हमारी जो कवरेज थी वो हमने आपको पलवल के जो अभी लास्ट गांव है, यहाँ पे गड़ी पट्टी है, ये गड़ी पट्टी गांव है, हरियाणा का आखिरी गांव है, यहाँ से यूपी का बॉर्डर स्टार्ट होता है और हरियाणा की सीमा जो है वो समाप्त हो जाती है। तो एक वीडियो हमने आपको दिखाई, इस वीडियो के में आपके क्या विचार है और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हो, जो राहुल ने बताया उसके बारे में आप कितना बिलीव करते हो उसके बारे में भी ज़रूर राय दीजिएगा, और जो अपना एक प्यारा सा कमेंट है वो कमेंट ज़रूर छोड़िए। तो और भी ऐसी ऐसी वीडियो आपके साथ लेके आते रहेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा ले। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, धन्यवाद। पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।